स्वागत है आपका आकर्ष जी 2M चैनल पे। आज के हम बात करेंगे HSC TGT आफ्टर आंसर की के बाद इंग्लिश SST साइंस और आर्ट और मैथ्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। बिल्कुल फुल एनालिसिस साथ लेके आ चुके, वीडियो कंप्लीट देखना, आपको कंप्लीट पता लग जाएगा भाई आपकी इंग्लिश में आपके मार्क्स सेफ है या नहीं है, SST में सेफ है, साइंस में आर्ट्स में क्या सेफ है या नहीं। तो वीडियो कंप्लीट देखें तभी आप चीज को देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एंड तक जरूर देखें। इंग्लिश में नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं 1751 नंबर ऑफ वैकेंसी आप इंग्लिश में देख रहे हैं। उसके बाद TGT आर्ट में 1443 वैकेंसीज है, साइंस है 1297 वैकेंसी। साइंस के बहुत ज्यादा टफ था तो कभी पर लेवल डिपेंड किया हार्ड है। इंग्लिश पेपर भी इतना आसान नहीं है जितना बच्चों बोल रहे थे आंसर के, 65 65 70 के, लेकिन आंसर के आने के बाद जो मार्क्स है वो कम हो गए हैं। उसी प्रकार हमें यहाँ देखने को मिला आर्ट्स वगैरह में भी, साइंस में भी, संस्कृत में भी, मैथ में भी। ठीक है, अब यहाँ पे पेपर का लेवल पहले देखे उसके बाद फिर आगे बात करता हूँ। देखो पेपर का जो मैथ्स का जो सब्जेक्ट था वो पेपर का लेवल मॉडरेट आया था। इसका मतलब है कि पेपर जो था यहाँ पे ना ज्यादा हार्ड था ना जी सब मॉडरेट पेपर था। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट की अगर बात करो आंसर की के बाद भी आराम से 68 से लेकर 70 के बीच नंबर आ रहे हैं, ठीक है, UR कैटेगरी में। अगर मैं बात करूँ साइंस के पेपर, साइंस का बहुत ज्यादा टफ था, एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, 55 60 45 50 50 55 इस प्रकार देखने को मिल रहे हैं। इंग्लिश में भी यही देखने को मिल रहा है, SST में भी यही देखने को मिल रहा है। चल हम पोल देख लेते हैं, यहाँ पे एक एक पोल के बारे में चर्चा करेंगे। SST TGT आफ्टर आंसर की इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स है, 10 अवर्ड्स आगो का वोट है, कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे 50 से 55 की भी 18% ने वोट किया और 34% कह रहे हैं कि जो मार्क्स हमारे 55 से 60 के बीच यहाँ पे आ रहे हैं, 1.5K वोट यहाँ पे देखने को मिले हैं। 34% स्टूडेंट का कहना है 55 से 60 के बीच, तो आप खुद ही देख लीजिए। और 60 से 65 के बीच 30% इसमें ज्यादा दूर है नहीं, तो ये इसमें और इसमें ज्यादा फासला नहीं है यहाँ पे, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे आगे बात करता हूँ SST TGT आफ्टर आंसर की आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। जनरली SST वगैरह में अगर आप देख रहे हैं 34% ने कहा है कि हम जो मार्क्स है वो 65 से 70 के अराउंड, मतलब 66 67 68 मतलब 70 के अराउंड आपके मार्क्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और 55 से 65 के बीच बोल रहे हैं 20% ने कहा है कि हमारे मार्क्स इसके अराउंड आ रहे हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आगे देख लेते हैं, यहाँ पे SST TGT साइंस में आप कितने मार्क्स आ रहे हैं। साइंस का भी 10 अवार्ड वोट करवाया था तो 1.5K वोट यहाँ पे आ चुके हैं। तो साइंस में अगर आंकड़े देखेंगे 23% का कहना है 40 से 50 के बीच, मतलब 40 से 50 भी घूम रहे हैं। और 29% का कहना है 60 से 65 के बीच, मतलब सबसे ज्यादा वोट 29% है, उसमें 23% तो मतलब बच्चों के जो मार्क्स कहीं ना कहीं 40 से 50 के बीच और 60 से 65 के बीच कहीं ना कहीं आ रहे हैं साइंस कैटेगरी में भी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। SST TGT आर्ट्स, ये आर्ट रहेगा, ये आर्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कला में। तो 600 वोट यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो 55 से 60 के बीच जो आंकड़ा है 25% है और 60 70 के बीच 29% का कहना है और 31% जस्ट चेकिंग अपोर मुंह देखने के लिए यहाँ पे आए थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज को आप देख रहे हैं आर्ट्स कैटेगरी में। अब बात करता हूँ हमारे हिसाब से कट ऑफ क्या रहेगी, चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जरा देख लेते हैं, सबसे पहले बात करो साइंस कैटेगरी कट ऑफ की। साइंस का कट ऑफ में UR कैटेगरी में 60 प्लस माना है, जिस बच्चे के अगर मान चलो 60 के आसपास नहीं आ रहे, मतलब 58 57 इसके अराउंड अगर नहीं आ रहे तो उसका सिलेक्शन होना मुश्किल रह जाएगा UR कैटेगरी में। BCA 55, EW 58, SC 54, BCB B2B BCB आपका 50 रहेगा। मैथ्स कैटेगरी में UR कट ऑफ 72 के अराउंड आपका रह सकता है। BC 65, EW 68, S 64, BCB यहाँ पे 64 अराउंड देखने को मिल सकता है। इंग्लिश से कटौती की बात करो तो इंग्लिश का जो कट ऑफ है आंसर की के बाद यहाँ पे UR कैटेगरी में 60 से 65 के अराउंड आपका कट ऑफ देखने को रह सकता है। यहाँ पे इस कारण अगर आपके मार्क्स आ रहे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है। BCA 55, EW 57 60, SC 52, BCB यहाँ पे 48 कराउंड कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। SST की बात करो, SST का जो कट ऑफ है 62 67, BCA 58, EW 60 से 62, SC 54 और BCB यहाँ पे 50 प्लस कट ऑफ देखने की पूरी पूरी उम्मीद रह सकती है। यहाँ पे अगर इसके अराउंड आपके मार्क्स आ रहे हैं SST कैटेगरी तो आपका सिलेक्शन डेफिनेट हो सकता है। अब बात करो आर्ट कैटेगरी में, आर्ट कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स कहीं ना कहीं अगर आपके मार्क्स 68 से लेकर ऊपर मार्क्स अगर आ रहे हैं 68 प्लस UR कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन हो सकता है आर्ट्स कैटेगरी में। तो आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं, प्लीज कमेंट कीजिए आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं।